आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी वीडियो लेकर के आई हूँ जिसमें जब चाहे आप काम कर सकते हो, जब मन करे तब पैसा कमा सकते हो। क्योंकि मैं जानती हूँ बच्चों, आप लोग में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने पढ़ाई में काफ़ी बिजी हैं, अपने दूसरे कामों में काफ़ी बिजी हैं, उनके पास टाइम नहीं निकल पाता। हो सकता है आज का टाइम है, कल टाइम नहीं है। तो आपके लिए मैं ऐसी जॉब छांट करके लेके आई हूँ, जिस दिन आपके पास टाइम होगा उस दिन आप काम करना, जिस दिन नहीं टाइम होगा उस दिन मत काम करना। ऐसा जॉब नहीं है कि रेगुलर बेसिस पे आपको काम करना पड़ेगा। इसी को कहते हैं फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स, जब चाहो तब काम करो। ठीक है, सो ऐसी कौन कौन सी जॉब है, टोटल 15 प्लस जॉब्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे, और उन 15 में भी मैं कई ऑप्शंस आपको बताऊंगी। तो देखा जाए ये 20-30 प्लस जॉब्स मैं आपको बता रही हूं, पर फिर भी मैं टॉपिक्स वाइज अगर कहूं तो 15 प्लस जॉब्स हैं, उसके अंदर अंदर जितनी जॉब्स होंगी वो भी मैं आपको बताते चलूंगी। आई होप ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी, और स्टूडेंट्स के लिए खास करके जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं किसी चीज़ की या कुछ और कर रहे हैं, जिनके पास टाइम की कमी है, उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल वीडियो है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड डिस्कस अबाउट इट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्कअप क्लासेस, दिस इज सुमन यादव। बहुत ही यूनिक तरह के जॉब्स मैं आपके लिए लेके आई हूँ, बिकॉज मैं समझती हूँ कि आप लोग के पास टाइम की कमी होती होगी हमेशा, या हो सकता है हमेशा काम करने का मन ना करता हो, कुछ भी रीज़न हो जिसकी वजह से आप फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर की जॉब ढूंढ रहे हो, अपने मन मुताबिक काम करने की जॉब ढूंढ रहे हो, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली अगर मैं जॉब बताऊं तो वो है टीचिंग जॉब्स। देखो, मैंने चेक इंडिया की वीडियो बनाई थी, ये वाली वीडियो है ना, इसी वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि अगर आपको फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर पे जॉब चाहिए तो आप बताना। सो पहली बात तो यही है कि टीचिंग जॉब्स में से भी बहुत सारी ऐसी जॉब्स हैं जो फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स आपको देती हैं, जैसे कि चेक इंडिया। चेक इंडिया में क्या होता है, चेक इंडिया में ये होता है कि जैसे मान लो आपने इस पे ट्यूटर आप बन गए, आप इस पे एक्सपर्ट बन गए, प्रोसेस मैंने वीडियो में बता रखी है कैसे बनना है। अगर आप इसमें बन गए ट्यूटर, तो ट्यूटर बनने के बाद क्या होगा, आपके पास डाउट्स आएंगे, जब आपके पास टाइम होगा सॉल्व करके भेज देना। जितने क्वेश्चंस का आप आंसर दोगे उस हिसाब से आपके पैसे बनते हैं, और महीने के 15 तारीख को आपके पैसे आ जाएंगे। जैसे मान लो आज से अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो अगले महीने की 15 तारीख तक आपने जितना काम किया होगा उस बेसिस पे जोड़ के पैसे आ जाएंगे। आपने 1 रुपये का काम किया है 1 रुपये आएगा, आपने 100 रुपये का काम किया है 100 रुपये आएंगे, ऐसे करके पैसे इसमें आते हैं। ठीक है, सो चेक इंडिया में यही होता है कि आपके पास जब टाइम हो क्वेश्चन सॉल्व करो, अपने पर्सनल सब्जेक्ट से रिलेटेड जो सब्जेक्ट आपको आता है क्वेश्चन सॉल्व करो, पैसे पाओ। लेकिन एक इसमें मतलब बाउंडेशन है कि 12th पास बच्चों को जनरली ये लेते नहीं है, ग्रेजुएट्स बच्चों को लेते हैं, या जो पोस्ट ग्रेजुएशन PhD वगैरह किए हैं एक्सपर्ट्स को ये लोग लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन टफ आते हैं। सो एक्सपर्ट्स ये लोग चाहते हैं कि एक्सपर्ट्स लोग इनके पे रजिस्टर करें। तो कई बार ऐसा होता है 12th पास लोगों को ये जॉब नहीं मिलती है, पर आप निराश मत हो, मैं बहुत सारे ऑप्शंस बता रही हूँ, उसमें से जो आपको सटीक लगे वो आप चूज़ कर लेना। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि ये सारे जॉब्स आप सबके लिए हों, मतलब आप एक पर्सन के लिए सारे जॉब सूट करें, किसी को कोई जॉब सूट करेगी, किसी को कोई और सूट करेगा, तो अपने मन मुताबिक आप चूज़ कर लेना आपके लिए कौन सा बेस्ट है। सो टीचिंग प्लेटफॉर्म ऐसे और भी बहुत सारे हैं। अगर आपको स्पेशली टीचिंग प्लेटफॉर्म पे ही वीडियो चाहिए कि फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर वाली टीचिंग प्लेटफॉर्म बताओ, तो उस पर आप कमेंट कर देना फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर टीचिंग। ठीक है, तो मैं समझ जाऊंगी कि आपको स्पेशली टीचिंग पे ही ऐसे वीडियोस चाहिए। आज की वीडियो में मैं आपको मल्टीपल ऑप्शंस बता रही हूँ। सो पहला तो चेक इंडिया वाला हो गया। दूसरा अगर मैं बात करूँ स्टॉक मार्केट, आप कहोगे स्टॉक मार्केट, हाँ बच्चों स्टॉक मार्केट, स्टॉक मार्केट ज़रूरी नहीं है कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करो, स्टॉक मार्केट में इंट्राडे ट्रेडिंग भी होता है। इंट्राडे ट्रेडिंग का क्या मतलब है, क्योंकि इंट्रा मतलब होता है एक ही दिन के अंदर, जैसे मान लो अगर कोई सेल है, कोशिका है, तो हम कहते हैं इंट्रा सेलुलर, यानी कि सेल के अंदर ही। तो इंट्राडे का मतलब होता है एक दिन के अंदर ही, यानी कि जैसे मान लो आज आपको पैसे की ज़रूरत है और आपको ट्रेड मार्केट का थोड़ा बहुत नॉलेज है, आपको इसके लिए पहले थोड़ा प्रायर एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, ऐसे ही तुरंत मत कूद जाना, थोड़ा बहुत इसके बारे में सीख लेना फिर जाना। ठीक है, सो इंट्राडे ट्रेडिंग में क्या होता है कि एक दिन आपको दिखाई दिया कि चलो ठीक है आज मुझे पैसे की ज़रूरत है, लाओ थोड़ा मार्केट का देख लेता हूँ क्या अप डाउन चल रहा है, और उस हिसाब से पैसे लगाओ, और शाम तक, सुबह आपने लगाए तो शाम तक उससे आप विड्रॉ कर सकते हो कुछ प्रॉफिट्स। सो ये होता है इंट्राडे ट्रेडिंग, यानी कि एक दिन के अंदर का इन्वेस्टमेंट, एक दिन पैसा लगाओ, उसी दिन रात तक पैसा पाओ, या 24 घंटे के बाद आप पैसा पाओ, ये होता है इंट्राडे ट्रेडिंग। हालांकि स्टॉक मार्केट में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, तो मैं उस लंबे चौड़े ऑप्शंस में आपको नहीं ले जाना चाहती, क्योंकि मैं जानती हूँ आपके पास समय कम है। सो आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हो, थोड़ा बहुत स्टॉक मार्केट का नॉलेज लेना फिर जाना, ये मेरा सलाह होगा आपको।
सो इंट्राडे ट्रेडिंग आप कर सकते हो, इस पर काम कर सकते हो, ये काफ़ी अच्छी स्किल है लोगों के लिए। बहुत सारी मैं स्किल्स भी आपको ऐसी बताने वाली हूँ जो आपके लिए काफ़ी अच्छी है अगर आप फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स पे काम करना चाहते हो। क्योंकि सोचो ना, एक बार इमेजिन करके देखो कि मान लो आप कहीं कमा रहे हो या कोई भी काम कर रहे हो, आपको पैसों की ज़रूरत पड़ी, आपके पास पैसे नहीं है, तो आप मोबाइल पे कुछ ऐसा काम कर रहे हो कि आपको फिर अगले दिन तक या कुछ दिन में आपके पैसे आ जाए एक्स्ट्रा। अच्छा रहेगा ना कि कहीं बंद के काम नहीं करना है, खाली अपने अनुसार काम करना है और पैसे लेने हैं जब आपको ज़रूरत पड़े। मैं इससे ये नहीं कहती कि आप करोड़पति बन जाओगे, नहीं, इससे आप बस अपनी ज़रूरत काट सकते हो, ठीक है। ये खास करके स्टूडेंट्स के लिए है या ऐसे लोगों के लिए है जो कभी भी चाहते हैं कि हाँ, मतलब जब मैं फंसूँ तो मैं कमा सकूँ। सो ऐसे वाले ऑप्शंस हैं ये। सो इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हो, इस बारे में ज़रूर आप थोड़ी नॉलेज गेन करना। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो आप टाइपिंग जॉब कर सकते हो। टाइपिंग जॉब का क्या मतलब होता है? ऐसे बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आपको टाइप करने का पैसा मिलता है, वो चीज़ें आपको देंगी, वो आपको टाइप करना होगा, ठीक है। मतलब ऐसा आपके पास आता है कि मतलब आप रजिस्टर हो तो आपके पास आएगा कि ये वाला ऑप्शन आपको एक्सेप्ट करना है तो कर लो, एक दिन के अंदर ये काम कंप्लीट करके देना है, करके दे दोगे तो फिर वो पैसे आपको मिल जाएंगे, वो पैसे आपके अकाउंट में आ जाएंगे, ठीक है। ऐसे अलग अलग टाइपिंग जॉब्स होते हैं, जब आपका मन करे एक्सेप्ट करना, करने के बाद उस काम को कंप्लीट करना, कंप्लीट करने के बाद दे देना और आपको पैसे मिलेंगे। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि कुछ प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जो एक निश्चित अमाउंट के बाद ही आपके अकाउंट में पैसे देंगे, जैसे कि मान लो $100 होने के बाद ही आपके अकाउंट में पैसे देंगे, ऐसा हो सकता है। लेकिन ये भी एक तरह से आपका फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर ही है कि यहाँ आपको बंद के काम नहीं कर रहा, जब आपका मर्जी है तब आप काम कर सकते हो। टाइपिंग जॉब्स पे मैंने वीडियो बना दी है, ये वाली वीडियो है, आप देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं थंबनेल डिज़ाइनर या ग्राफिक डिज़ाइनिंग। थंबनेल डिज़ाइनर और ग्राफिक डिज़ाइनर में क्या होता है कि आप किसी के लिए, किसी यूट्यूबर के लिए थंबनेल बनाते हो, सो आप उनके कांटेक्ट में रहते हो, आपका ऐसा नहीं कि मंथली इनकम है, वो थंबनेल के बेसिस पे आपको इनकम देते हैं। आपने एक थंबनेल बनाया, इतना पैसा पाया, आपने इतना बनाया, इतना पैसा पाया। इस तरह के जॉब भी आप कर सकते हो। ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी इससे जुड़ा हुआ ही है कि कई लोग वेबसाइट्स डिज़ाइन करते हैं या एड्स डिज़ाइन करते हैं, तो उसमें उन लोग को ग्राफिक डिज़ाइनर की ज़रूरत पड़ती है कि डिज़ाइनिंग कैसे दे। जैसे मान लो आप मार्केट में निकल रहे हो, वहाँ पे आप पोस्टर्स देख रहे हो, उस पोस्टर को किसी ने तो डिज़ाइन किया होगा, किसी ने तो उन पोस्टर्स को बनाया होगा, तो वहाँ पे ग्राफिक डिज़ाइनर का काम पड़ता है अगर वो चीज़ अच्छे लेवल पे हो रही है, ठीक है। सो ग्राफिक डिज़ाइनर या थंबनेल डिज़ाइनर का आप काम कर सकते हो। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता इन चीज़ों को सीखने में। आप सोच रहे होगे मैम ऐसी चीज़ बता रही है जिनको सीखने में हमारा समय बीत जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। विद इन 1-2 मंथ भी आप इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से मास्टरी कर सकते हो, विद इन 1-2 मंथ। तो 1-2 महीने में क्या जाता है जिससे आपकी लाइफ में आगे का टाइम सिक्योर हो जाए। सो 1-2 मंथ, ऐसा नहीं है कि 24 घंटे पढ़ो, 1-2 मंथ, 1-1 आवर भी इसको दोगे ना तो बहुत अच्छे से एक्सपर्टाइज कर सकते हो, आप इसे सीख सकते हो। फ्री में कोर्सेज सारे अवेलेबल हैं सीखने के लिए, सो आप इन लोगों को, इन चीज़ों को सीख सकते हो। नेक्स्ट बात करें वीडियो एडिटिंग। वीडियो एडिटिंग थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन अगेन आपकी ये इच्छा पे डिपेंड करता है आप ये कब करना चाहते हो। आप यूट्यूबर से कांटेक्ट कर सकते हो, हालांकि हमारे पास जॉब नहीं है, अदरवाइज मैं ही आपको ऑप्शन देती कि आप हमारे पास ही आ जाओ, लेकिन हमारे पास फिलहाल जॉब नहीं है, अदरवाइज हम लोग ज़रूर आप लोगों को कॉन्टैक्ट करते और हम अपने स्टूडेंट्स में से ही रखते, ऐसा हमारा सोच है। अगर आगे कभी ऐसा हुआ कि हम लोग जॉब्स देने लायक हुए तो हम लोग ज़रूर आप लोगों को ही हायर करेंगे, हमारा सोच यही है, लेकिन ऐसा हुआ तो फिलहाल ऐसा नहीं है। बड़े बड़े लोगों को कांटेक्ट कर सकते हो, बड़े बड़े जो एजुकेशनल वीडियोस हैं या जो भी लोग अच्छे यूट्यूबर्स हैं जिनके मिलियंस में सब्सक्राइबर हैं, उनको अक्सर ज़रूरत पड़ती है वीडियो एडिटर्स की, वहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। ये भी आप थोड़ा बहुत सीख सकते हो तब आप कांटेक्ट करना। इसके बाद बात करें पैकिंग जॉब्स भी होती हैं। पैकिंग जॉब का क्या मतलब होता है कि आप कहीं पे कांटेक्ट कर सकते हो, हालांकि ये जॉब जल्दी मिलती नहीं है क्योंकि इसमें काफ़ी सारे फ्रॉड्स भी देखने को मिलते हैं, लेकिन फिर भी पैकिंग जॉब्स के लिए आप ट्राई कर सकते हो। आपके आसपास अगर ऑफलाइन ये जॉब मिल जाती है तो बहुत अच्छा है। पैकिंग जॉब का क्या मतलब है, जैसे मान लो कपड़े हो गए, किसी कपड़े के शॉप पे आप काम कर रहे हो और वो बोले कि आपको इतना बंडल पैक करना है, इतने पैसे मिलेंगे एक बंडल पैक करने के, सो आप पैकिंग पे काम कर सकते हो। या कई लोग सिलाई का भी काम करते हैं कि एक पीस सिल करके दोगे तो आपको इतने पैसे मिलेंगे, तो ये ऑफलाइन में थोड़ा सा आ जाता है, बाकी सारी चीज़ें ऑनलाइन है, ये वाला पार्ट थोड़ा सा ऑफलाइन में था। मेरे पास जितने ऑप्शन है मैं आपको बता दे रही हूँ, आपके अनुसार चूज़ कर लेना आप पे क्या सूट करता है। इसके बाद आता है फोटो सेलर की जॉब एंड आर्ट सेलर जॉब।
फोटो और आर्ट सेलर क्या है, मतलब आप अगर ड्राइंग बना रहे हो या फोटोग्राफी का आपको शौक है, जब मन किया आप एक दिन फोटोग्राफी के लिए निकल गए, अच्छे अच्छे अपने फोटो क्लिक कर ली, फोटो क्लिक करने के बाद कुछ ऐसी वेबसाइट से अगर आप वहाँ अपलोड करोगे तो जितने उस पर व्यूज आएंगे या जितने उसको परचेस करेंगे फोटो को, उस हिसाब से आपको पैसे मिलते हैं। ये होती है फोटो सेलिंग की जॉब। सिमिलरली आर्ट सेलिंग की जॉब होती है। आर्ट सेलिंग में क्या होता है, आप ड्राइंग्स बनाते हो, आर्ट बनाते हो, उसको वेबसाइट्स पे सेल करते हो, जब कोई उसे खरीदता है तो आपको पैसे मिलते हैं। सो ये आप अपने मन चाहे टाइम पे कर सकते हो, ऐसा इसका ज़रूरी नहीं है कि एक फिक्स टाइम पे आपको रोज काम करना पड़ेगा, ये भी आपके फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर की ही जॉब है। फोटो सेलिंग वेबसाइट्स पे मैंने वीडियो बना दी है कि 6 ऐसी वेबसाइट मैंने बताई है जहाँ पे आप अपनी फोटो सेल कर सकते हो। मैंने इंडियन फोटो सेल करने की भी वेबसाइट इस वीडियो में बता रखी है, लिंक आपको लास्ट में मिलेगा। हमारी एक जॉब्स की प्लेलिस्ट है जिसमें आपको इस तरह की वीडियोस हमेशा मिलती रहेंगी। जो भी मैं आपको जॉब से रिलेटेड कार्यक्रम बताती हूँ वो आपको उसी प्लेलिस्ट में मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं नोट सेलिंग। नोट सेलिंग का क्या होता है कि आपने मान लो 11th आपने पढ़ाई की, 11th के किसी चैप्टर के नोट्स आपने बहुत सुंदर से अच्छे तरह से बनाए हैं, तो नोट्स सेलिंग वेबसाइट्स भी होती हैं। बहुत सारी ऐसी अच्छी अच्छी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप अपने क्लासेस के नोट्स सेल कर सकते हो, वहाँ पे आप PPT बना के दे सकते हो, प्रेजेंटेशन बना के दे सकते हो, ऐसी वेबसाइट्स पे आप काम कर सकते हो और अपने मन मुताबिक काम कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि वहाँ आप मतलब बंद के ही काम करो, आपका जब मर्जी तब आप नोट सेल कर सकते हो, जब जब उसे कोई खरीदेगा आपको पैसे मिलेंगे, ठीक है, इस तरह का काम आप कर सकते हो। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो होता है फ्रीलांसिंग की जॉब। फ्रीलांसिंग में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। फ्रीलांसिंग का मतलब होता है कि आप किसी वेबसाइट पे अपना प्रोफाइल बनाओ, जैसे कि फाइवर वेबसाइट पे, ठीक है, अपना प्रोफाइल बनाओ और जो काम आपको आता है उस प्रोफाइल पे लिख दो और उससे रिलेटेड जो भी काम होंगे आपको, मतलब बहुत सारे लोग हैं वो जो वहाँ काम देते हैं, ठीक है। सो आपसे रिलेटेड जो काम है जिससे रिलेटेड आपने प्रोफाइल बनाया है, जैसे कि मान लो मैंने बनाया कि मैं ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ, मान लेते हैं मैंने बनाया कि मैं ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ, तो ग्राफिक डिज़ाइनर की जितनी जॉब्स हैं, लोगों ने जितना प्रोवाइड किया है उनसे आप रिक्वेस्ट कर सकते हो, अगर वो आपको जॉब देते हैं काम पूरा करके दो पैसे ले जाओ, ऐसा काम होता है फ्रीलांसिंग का, ठीक है। इन सबको जो भी मैं आपको बता रही हूँ ना, उस पर आप वीडियो सर्च करो, उसके बारे में देखो, जानो, समझो, नहीं समझ पाते हो तो मुझसे पूछो, मैं आप लोगों की हेल्प करूँगी। फिलहाल मैं आपको ऑप्शंस बता रही हूँ, आप इनमें से चूज़ करो, चूज़ करने के बाद उसकी थोड़ी सी जानकारी लो और फिर आगे काम करना शुरू करो, ये तरीका होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो जॉब है वो है YouTube की जॉब। जैसे कि आप हमारी वीडियोस देख रहे हो, YouTube पे हम लोग काम कर रहे हैं, जब मर्जी तब काम करते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं सुबह 7 बजे से 8 बजे तक काम करती हूँ, ऐसा नहीं है। जब मेरा मन करता है तब मैं वीडियोस बनाती हूँ, चाहे मैं एक ही दिन सारे वीडियोस बना करके रख लूँ या फिर चाहे मैं मतलब हर दिन वीडियो बनाऊँ, ये मेरे ऊपर है कि हम लोग कब वीडियोस बनाना चाहते हैं। तो आप YouTube, Instagram इन सब पे अपना काम कर सकते हो, इन सब पे वीडियो क्रिएशन का काम कर सकते हो, एक दिन बैठ के काम कर लो, हफ्ते भर के वीडियोस बना लो, बाकी हफ्ते भर फ्री रहो, ऐसा भी आप काम कर सकते हो, ठीक है। तो YouTube और Instagram आज के समय में काफ़ी अच्छा सोर्स है इनकम का। YouTube ट्यूटोरियल की तो मैंने प्लेलिस्ट भी बना दी है आप लोगों के लिए कि मैं YouTube ट्यूटोरियल उसमें सिखा भी रही हूँ। हालांकि कुछ लोगों का बाद में सपोर्ट नहीं मिला दिवाली के बाद से, बट स्टिल मैं बीच बीच में आप लोगों के लिए वीडियोस डालती रह रही हूँ। बीच बीच में काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट आ रही हैं जिसकी वजह से वो सीरीज़ बहुत कंटिन्यूस नहीं है, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश रह रही है कि मैं टाइम टू टाइम आपको हर चीज़ सिखा दूँ। तो ट्यूटोरियल तो आपको पूरा मिल जाएगा, हाँ, पर कितना फ्रीक्वेंट मिलेगा आई कांट गारंटी, बिकॉज कई सारी और प्रॉब्लम्स हमारे सामने आ रही हैं, ठीक है। सो YouTube सीरीज़ मैं खुद सिखा रही हूँ, आप कम से कम हमारे जितने सब्सक्राइबर तो गेन कर सकते हो उसे सीख करके। हाँ, हमसे आगे भी बढ़ो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमारे जितना हो जाएंगे ये मैं गारंटी देती हूँ अगर मेरे तरीके आप फॉलो करोगे। इसके बाद है आपका कंटेंट राइटिंग की जॉब। कंटेंट राइटिंग में क्या होता है कि जैसे मान लो बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जिनको कंटेंट इकट्ठा करना नहीं आता, जैसे मान लो मैं ये वीडियो बना रही हूँ फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स का और मुझे नहीं इकट्ठा करना आता कि फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर कौन कौन से हैं, तो मैं किसी को काम दे दूं कि तुम ऐसे टॉपिक पे मतलब कंटेंट जुटा करके लाओ और मुझे दो ताकि मैं इस पे वीडियो बना सकूं, तो ये कंटेंट राइटर का काम होता है। और भी चीज़ होती है इसमें, आर्टिकल राइटिंग भी आती है, ब्लॉगिंग भी आता है। देखो ब्लॉगिंग एक अलग चीज़ है। ब्लॉगिंग में क्या होता है, वेबसाइट्स जब खुलती हैं तो उसमें कुछ चीज़ें लिखी होती हैं, वो ब्लॉगिंग होती है। और ब्लॉगिंग मतलब तो लोग अपना वीडियो बनाते हैं, दिनचर्या बनाते हैं, तो वो ब्लॉगिंग अलग है, मैं यहाँ ब्लॉगिंग की बात कर रही हूँ, ठीक है। इसके बाद आता है आपका स्क्रिप्ट राइटिंग, जैसे कि मतलब वीडियो की ही स्क्रिप्ट राइटिंग आप कर सकते हो या कोई स्टोरी है उसकी स्क्रिप्ट राइटिंग कर सकते हो, ये काम भी आप कर सकते हो। स्क्रिप्ट राइटिंग के लिए बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो आपको पैसे पे करती हैं, जैसे जैसे अपवर्क,
ठीक है, जैसे कॉन्टेना, ब्लास्टिंग न्यूज़, हब पेजेस, ये सब आपको जॉब प्रोवाइड करती हैं कंटेंट राइटिंग के लिए। जब चाहे इन पे आप काम कर सकते हो, कंटेंट राइटिंग का इस पे टॉपिक्स मिलता है, आपको लिख के भेजना होता है, जिस हिसाब से आपने लिखा होता है उस हिसाब से आपको पैसे मिलते हैं। इसके बाद और भी ऑप्शंस है कि अगर आप इसके लिए परमानेंट जॉब ढूंढ रहे हो तो आप लिंक्डइन पे इंटर्नशाला, एक बहुत अच्छी वेबसाइट है, इंटर्नशाला के बारे में अभी मैं थोड़ी देर में बताऊंगी, इंटर्नशाला, ग्लासडोर, ये सारे पे आप काम कर सकते हो। इन पे आप चाहो तो परमानेंट भी काम कर सकते हो, चाहो तो अपने मर्जी मुताबिक भी काम कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं इंटर्नशाला। इंटर्नशाला एक ऐसी वेबसाइट है, अगर इसकी डिटेल्स चाहिए होगी तो ज़रूर बताना, ये बहुत अच्छी वेबसाइट है। इस पर क्या है ना कि जैसे मान लो आपको ग्राफिक डिज़ाइन नहीं आता, मान लेते हैं आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग नहीं आता, लेकिन आपने सुन लिया काफ़ी बार कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग है तो कुछ अच्छा कोर्स, तो इंटर्नशाला क्या करती है, वहाँ पे फ्री में कोर्सेज अवेलेबल हैं, मोस्ट ऑफ द चीज़ों के फ्री कोर्सेज अवेलेबल हैं। उस फ्री कोर्स को आप देखो, देखने के बाद वहाँ पे आपको इंटर्नशिप करने को मिलेगा, इंटर्नशिप करो। इंटर्नशिप आप बड़ी बड़ी कंपनीज में कर सकते हो, जैसे बायजूस में कर सकते हो, जैसे जो भी कंपनीज उससे रिलेटेड होंगी, उनसे जुड़ी होंगी, उन सब कंपनीज में आप काम कर सकते हो। अगर उन्हें आपका काम पसंद आया तो वो आपको रख लेंगे और फिर आपको सैलरी भी देंगे आगे चल करके। सो ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, हालांकि ये फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर से रिलेटेड नहीं है, लेकिन इंटर्नशाला पे अगर आपको वीडियो चाहिए होगा तो आप कमेंट ज़रूर करना, काफ़ी अच्छा करियर ऑप्शन है ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग आप कर सकते हो। एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है, एफिलिएट मार्केटिंग ये होती है, जैसे मान लो मैं यूट्यूब के वीडियोस बना रही हूँ और आप मुझसे पूछ रहे हो कि मैम हम कौन सी बुक पढ़ें, कौन से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करें एम्स के लिए, सो मैं आपको सजेस्ट करूं कि ये वाली बुक है, आप इस बुक से पढ़ सकते हो, और उस बुक का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से जाके परचेस करो। सो उस लिंक से अगर कोई खरीदता है तो मुझे उसका कुछ परसेंट कमीशन मिलेगा। सो ये होती है इंटर्न मार्केटिंग, सॉरी एफिलिएट मार्केटिंग, ठीक है, इसे हम एफिलिएट मार्केटिंग कहते हैं। ऐसा करने से क्या है, ना ही मेरा कोई समय ऊर्जा लग रही है, स्पेशली उस पर मैं टाइम नहीं दे रही हूँ, वो बाय डिफॉल्ट मेरे पास इनकम आती जा रही है, ठीक है। कल रात में 12 बजे किसी ने खरीदा तो भी मुझे पैसे आ रहे हैं, सुबह 10 बजे खरीदा तो भी मुझे पैसे आ रहे हैं। सो ये होती है एफिलिएट मार्केटिंग, हालांकि ये सोशल मीडिया से जुड़ी हुई है। अगर आपका सोशल मीडिया अकाउंट है, उस पर आपके ठीक ठाक फॉलोअर्स हैं, तो आप एफिलिएट मार्केटिंग भी कर सकते हो, ठीक है, वहाँ ये ज़्यादा फायदेमंद होती है। इसके बाद बात करते हैं उडेमी। उडेमी पे क्या होता है, उडेमी पे आप कोई कोर्स बना के सेल कर सकते हो। जैसे मान लो आपको चश्मे बनाने आते हैं, मान लेते हैं आपने कोई ऐसा कोर्स किया है कि आपको चश्मे बनाने आते हैं, एक एग्जांपल ले रही हूँ, चश्मे बनाने आते हैं, तो चश्मे कैसे बनाए जाए उसका 4-5 वीडियो आपने बनाया, उसका एक पूरा मतलब प्लेलिस्ट बनाया, डाल प्लेलिस्ट ले करके पूरा कोर्स बना करके आपने उडेमी पे अपलोड कर दिया। अब जब जब उसको कोर्स को कोई ख़रीदेगा तब तब आपको पैसे मिलेंगे, ये होता है उडेमी। ये भी आपके टाइम पे डिपेंड करता है, आपके मन पे डिपेंड करता है, कब बना के आप कोर्स बना के डालना चाहते हो। आपको वीडियो एडिटिंग आती है, वीडियो एडिटिंग का पूरा प्रोसेस सिखा करके डाल दो उडेमी पे। आपको कुछ और बनाना आता है, कुछ और करके डाल दो। आपको डांस करना आता है, डांस करके डाल दो। कोई भी चीज़ अगर आपको आती है वो आप सिखा सकते हो उडेमी पे, वहाँ कोर्स बना के डाल दो, जब जब कोई खरीदेगा आपको पैसे मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, नेक्स्ट आप डाउट सॉल्वर का काम कर सकते हो डिफरेंट कंपनीज में, जैसे कि PW में, बायजूस में, यहाँ पे आप डाउट सॉल्वर का काम कर सकते हो। यहाँ पे कुछ ऑप्शन ऐसे होते हैं कि आपको डेली बंद करके काम करना है, कुछ ऑप्शंस ऐसे भी होते हैं कि आप जब चाहो उस हिसाब से काम कर सकते हो, ठीक है। सो ये दोनों ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, जब जैसी वैकेंसी आए आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। आप कहोगे मैम कैसे ज्वाइन करें, तो बच्चों ये वैकेंसी पे डिपेंड करता है। लिंक्डइन पे ढूंढो वैकेंसी, इंस्टाग्राम पेज पे ढूंढो वैकेंसी, जब वैकेंसी आती है तब आप अप्लाई कर सकते हो, हमेशा इसकी वैकेंसीज अवेलेबल नहीं रहती हैं, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं कोर्सेरा। कोर्सेरा में भी सेम उडेमी की तरह प्रोसेस है, आपने कोर्स बना करके डाल सकते हो, जब कोई खरीदेगा आपको पैसे मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जॉब आती है ट्रांसलेटर एंड ट्रांसक्रिप्शन की जॉब। इसमें क्या होता है कि आपको कोई वीडियो या ऑडियो दिया जाता है, आप उसे दूसरी भाषा में कन्वर्ट करते हो, उसे कन्वर्ट करके लिखते हो, टाइप करते हो, सो ये होता है ट्रांसलेटर का काम। और ट्रांसक्रिप्टर क्या क्या होता है, कोई वीडियो ऑडियो है सुन करके उसे टाइप करना है। सो ये भी आप अपने मन मुताबिक कर सकते हो कि आप कितना काम करना चाहते हो, जितना काम करना चाहोगे उतने पैसे मिलेंगे। आज काम किया कल नहीं किया कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब चाहो तब काम कर सकते हो और उस हिसाब से आपको पैसे मिलेंगे। सो मैंने आपको काफ़ी सारे ऐसे ऑप्शन बता दिए जिसमें आप अपने मन मुताबिक काम कर सकते हो, फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स है, जब चाहो तब काम कर सकते
सकते हो और उससे पैसे कमा सकते हो, ठीक है। इनमें से अगर मैं बेस्ट की बात करूँ तो सबसे अच्छा रहेगा कि आप मतलब कोई स्किल सीख लो, जैसे थंबनेल डिज़ाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिज़ाइनर, ऐसी कोई स्किल आप सीख लो, फ्रीलांसिंग सीख लो, इनमें से कोई सीख लो तो आपका काफ़ी अच्छा फ़ायदा रहेगा। ट्रेडिंग आप सीख सकते हो, इसमें से आप उडेमी एंड कोर्सेरा पे काम कर सकते हो, और इनमें से एक और बहुत बेस्ट काम है कि आप यूट्यूब चैनल खोल सकते हो। लेकिन यूट्यूब चैनल पे शुरुआत में टाइम देना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, ये बात का आपको ध्यान रहे। सो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ों में से आपको जो पसंद आता है आप वो कर सकते हो। मुझे जो समझ में आया आप लोगों के लिए, वो सारे कोर्सेज मैंने बता दिए, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी जिससे आप अपने खाली समय में कर सकते हो और पैसे कमा सकते हो, ठीक है। आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू। इसके अलावा कोई दिक्कत, कोई परेशानी होती है कॉमेंट्स में मैंशन करो। स्पेशली अगर आपको इंटर्नशाला पर वीडियो चाहिए और ऐसे टीचिंग जॉब्स पे वीडियो चाहिए जिसमें फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर हो, जैसे कि चेक इंडिया में है, स्पेशली टीचिंग के लिए चाहिए, तो उसके लिए भी आप कमेंट करना। ये दो पे तो मैं वीडियो बनाने को बिल्कुल तैयार हूँ अगर आपके कमेंट्स आते हैं, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो, आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू। कोई दिक्कत, कोई परेशानी आती है कॉमेंट्स में मैंशन करो। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर वॉट एवर यू आर गोइंग टू डू। अपने स्किल बढ़ाने पर प्लीज़ फोकस करो डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि आने वाले समय में अगर कुछ काम आएगा तो आपकी स्किल्स काम आएंगी। आपकी पढ़ाई हो सकता है आपकी वो डिज़ायर पूरा ना करे जो आपने बचपन से सोच रखा है। बचपन से आपने बहुत सारी डिज़ायर सोच रखे होंगे, अपने मन में पाल रखे होंगे। किसी ने घर, बंगला, गाड़ी सोच रखा होगा, किसी ने लोगों की हेल्प करने का सोच रखा होगा, किसी ने आगे बढ़ने का सोच रखा होगा, बहुत सारी चीज़ें आपने सोच रखी होंगी। तो वो एक गवर्नमेंट जॉब या कोई ना एक नॉर्मल जॉब पूरी नहीं करेगी, वो आपकी स्किल ही पूरी करेगी। सो धीरे धीरे कोई ना कोई स्किल पर ज़रूर काम करो आप। रोज का आधा घंटा, एक घंटा ही दो, लेकिन अपनी स्किल्स पे जरूर काम करो, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द वीडियो, आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू। बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट।